If x equals to a, b, c, d, and y equals to f, b, d, g, okay, then find x minus y. x minus y का मतलब क्या होगा? x में हो लेकिन y में ना हो, x में हो लेकिन y में ना हो. तो ये तो भाई a है, yes, d है, नहीं, b नहीं रहेगा, इधर भी है, इधर भी है, c है, yes. और डी है, नहीं है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये नहीं रहेगा. ए डी आ गया. डिफरेंस का मतलब होता है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी. इसका मतलब क्या होता है? एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड साथ में एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी. ओके, वाई माइनस एक्स, वाई में हो लेकिन एक्स में ना हो, वो क्या है भैया? एफ है और जी है, वाई माइनस, ठीक है. एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये दोनों में हो, दोनों में हो, वो कॉमन क्या है? डी कॉमा डी. ओके, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ए में भी है और बी में भी है. ध्यान से देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम से बात करूं तो ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. और लाइक ये जो पार्ट है, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनियन है. और ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है. और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है. ये बी है मेरे पास. ओके, okay?